महाराष्ट्र में आज आए कोरोना के 43,697 नए मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 46,591। कोहरे के चलते देरी से चल रही 13 ट्रेनें तो वहीं कैंसिल की गई 22। अमेरिका में 5G इंटरनेट बना मुसीबत, दुर्घटना के डर से एयर इंडिया को रद्द करनी पड़ी 14 उड़ानें। शेयर बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा टूटकर 60,000 के नीचे खुला, निफ्टी भी फिसला। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया को बड़ा झटका, छीना गया नंबर एक का ताज। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 21 जनवरी तक बर्फबारी के साथ साथ बारिश के भी आसार। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को वेंटिलेटर से हटाया गया, कोरोना से हो रही तेजी से रिकवर। सूरत में डाइंग और प्रिंटिंग मिल में लगी भीषण आग में जोरदार धमाका, फायर ब्रिगेड मौके पर। शिमला में जहरीली शराब पीने से 2 और लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 7 के पार पहुंचा। 49,000 के पार हुए 24 कैरेट सोने के भाव, चांदी में 1500 रुपए का इजाफा।